हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आइकॉनिक इंग्लिश। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट अस, कीप शेयरिंग अस फॉर मोर सच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वोकैबुलरी क्लास की आज 16th सीरीज शुरू होने जा रही है, तो बिना वेस्ट करे टाइम फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज गाइस पैराडिग्म। पैराडिग्म का मतलब होता है एग्जाम्पल देना, मिसाल कायम करना, मिसाल देना या कोई उदाहरण देना। इट वॉज अ पैराडिग्म ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड वेल बींग। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और वेल बींग, सही रहने के लिए, वेल बींग के लिए हमारी ये एक बहुत बड़ी मिसाल थी। क्या थी हमें नहीं पता। डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है स्किलफुलनेस, कौशल, किसी चीज़ में निपुण होना, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से करना, स्किलफुली करना। हिज डेक्सटेरिटी वॉज अमेजिंग। उसका कौशल, उसकी स्किलफुलनेस बहुत अमेजिंग थी, बहुत अच्छी थी। क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है, अप्रोर भी कहते हैं इसको, इसको कहते हैं कोलाहल, नॉइज क्रिएट करना, बहुत ही गलत, अच्छा नहीं, जो कानों को सुन के अच्छा ना लगे वैसा शोर मचाना। देर इज नो डाउट दैट द ट्रबल्ड रमन विल क्लैमर फॉर स्पॉटलाइट। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो रमन है, जो कि ट्रबल में है, वो कोलाहल मचाएगा, क्लैमर मचाएगा, किसके लिए, स्पॉटलाइट के लिए, ताकि उसके ऊपर ही सबका ध्यान आकर्षित हो। वेंड। वेंड का मतलब होता है चलना, धीरे धीरे वॉक करना, टू मूव स्लोली भी कह सकते हैं इसको। सो सेंटेंस में देखें, वेंड और रन, यू विल नेवर विन। तुम चाहे चल के जाओ, चाहे तुम भाग के जाओ, तुम कभी भी नहीं जीतोगे। बिविल्डर, किसी को उलझन में डालना, किसी को कंफ्यूज करना, टू कंफ्यूज समवन भी कहते हैं इसको। द शॉप हैड्स अ बिविल्डरिंग वैरायटी ऑफ सिल्क्स। बिविल्डरिंग वैरायटी ऑफ सिल्क, शॉप के पास इतनी सारे सिल्क की वैरायटी थी कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए उससे। तो ये थे वर्ड्स आज के गाइस 5। आई होप आपको समझ आए हो। अगर आपने ये वर्ड्स पहले सुने थे, आप इनके बारे में पहले जानते थे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप स्प्रेडिंग एजुकेशन।